मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैरिड लाइफ अर्थात वैवाहिक जीवन में घुलेगी प्यार की मिठास। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल घरेलू टुटके में। इस जानकारी को बताने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल घरेलू टुटके को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए तथा घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिसका उपयोग करके आप अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि पा सकते हैं। दोस्तों, हर वैवाहिक दाम्पत्य चाहता है कि उसके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे, जिसके लिए वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करता है। कई बार पति पत्नी के बीच छोटे मोटे लड़ाई झगड़े बड़े वाद विवाद का कारण भी बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं इसका कारण आपके बेडरूम अर्थात शयन कक्ष के वास्तु दोष भी हो सकते हैं, जो खुशहाल वैवाहिक जीवन में कड़वाहट घोलने का काम करते हैं। वैवाहिक जीवन में प्यार की मिठास बढ़ाने के लिए यहाँ हम आपको कुछ वास्तु उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पति पत्नी का शयन कक्ष दक्षिण पूर्व दिशा के कोने में कभी नहीं होना चाहिए। इस दिशा में बेडरूम अर्थात शयन कक्ष होने से बिना वजह पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगते हैं, जिससे दोनों में मनमुटाव बना रहता है, आर्थिक पक्ष भी कमजोर होता है। शयन कक्ष का दरवाजा आपके पलंग से नजर आना चाहिए, अन्यथा अनजाना डर घेरे रहेगा। शयन कक्ष के नैऋत्य कोण में लव बर्ड्स का जोड़ा रखें, इससे पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। नव दंपत्ति का शयन कक्ष वायव्य अर्थात उत्तर दिशा में होना चाहिए, इससे उनके वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है। शयन कक्ष में कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, परिवार में कलह क्लेश और धन की हानि होती है। पलंग के ऊपर अलमारी अथवा सेल्फ का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। जब आप सोएं तो आपके पैर दरवाजे के सामने नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति को शव की स्थिति माना जाता है। शयन कक्ष के दरवाजे के सामने दाएं तरफ पति पत्नी अपनी हस्ती मुस्कुराती तस्वीर लगाएं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया प्यार की मिठास बढ़ाने के लिए कुछ वास्तु उपाय। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसी चैनल के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारी रोचक बातें लेकर आएंगे। धन्यवाद।